परवरदिगार, मैं हूँ मरियम तेरी खिदमत गुजार। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं यतीम हूँ और माँ से भी जुदा हो रही हूँ, ताकि तेरे खिदमत के लिए तेरे करीब आऊँ। मेरे माबूद, तू इस नाचिस कनीज को इतनी कुव्वत अता फरमा कि मैं अपनी माँ के फिराक को बर्दाश्त कर सकूँ, और मेरी माँ को भी इतनी कुव्वत दे कि वो मेरी जुदाई को बर्दाश्त कर सके। डर रही हूँ कि मरियम हमसे जुदा हो जाएगी। पैदाइश के बाद वाले दिनों को नहीं भूल सकती। कितना सख्त था, सोचा भी नहीं था कि इससे सख्त लम्हा देखने को मिलेगा। मैं फरिश्तों, कातिबों और इबादतगाह के काहिनों के बर्ताव से डरती हूँ। आपकी मौजूदगी में मुझे उन लोगों का डर नहीं। जानती हूँ मुझे उससे मिलने नहीं जाना चाहिए, वरना उसे मेरी मौजूदगी की आदत हो जाएगी। जो मरियम की इबादतगाह में खिदमत करने की खालिसाना नजर से साजगार नहीं। मेरे दिल ने हमेशा यही गवाही दी कि वो कयामे इलाही की हामिल है। ये जानते हुए मुझे इससे इतना वाबस्ता नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि उसे इबादतगाह में रहना है, मेरे पास नहीं। लेकिन उसकी जुदाई के दिन से फरार मुमकिन नहीं। जुदाई के सिलसिले में कई बार सोचना चाहा, पर सोच नहीं पाई। और अब जुदाई के सख्त लम्हात आ गए। मैं खुद को आमादा ना कर पाई। मैं सोच भी नहीं सकती जनाबे सकरिया, आखिर मैं एक माँ हूं। मरियम को ले आओ। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए। मरियम, अपनी मां से खुदा हाफिज कहो। मरियम, thank you.
खुदा हाफिज मेरी जान, खुदा हाफिज। सुनो लोगो, आए लोगो सुनो, आए लोगो मरियम आ रही है। यहूदी शरीयत का ये हुक्म मुतलक है, ऐसा नहीं। जनाबे सिद्दीक़िया, ज़करिया मरियम को इबादतगाह ला रहे हैं। ताज्जुब है, चलिए जाकर देखते हैं। चलो। नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता हूं इन सब को बर्दाश्त कर पाऊंगा या नहीं। सलाम हो। सलाम। खूब ज़करिया, बिल आखिर तुमने अपना काम अंजाम दे ही दिया, बहुत खूब। लो पहुंच गए, यह है इबादतगाह।
इबादतगाह सुलेमान में खुश आमदीद। डरो मत मरियम, यहां कुछ है। ये जगह काहिनों की इबादत की जगह है, तुम दाखिल होने का हक नहीं रखती, समझ गई मरियम? हाँ। चलो। देखो मरियम, ये तुम्हारा हुजरा है। इबादतगाह में खुश आमदीद मरियम। मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आप रूही कसालत से शिफा पाएं। आइए किसी रोज हमरा इबादतगाह चलते हैं, शायद वहां आपको आराम नसीब हो। इस महल की परेशानियों से दूर आपको सुकून हासिल होगा। इबादतगाह? उन झूठे और धोखेबाज काहिनों से क्या शिफा मिलेगी? ज्यादातर मुश्किलात उन्हीं की वजह से है। लेकिन कहते हैं कि कोई आया है जिससे इबादतगाह में एक नई ताजगी पैदा हो गई है। किसकी बात कर रही हो? कहते हैं उसका नाम मरियम है। मरियम? इमरान की बेटी ना? मेरी अजीज मरियम, आखिर इस 6 साल बच्ची से क्या सरजद हुआ है कि हमारी खलवत में भी खलल डाल रही है? ये बातें आवाम के लिए भाई से खुशी है, तुम्हें इससे क्या? देखो मरियम, क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि उन अकाइद को छोड़कर अपने बारे में गौर व खोज करें? मेरी शिद्दते मोहब्बत से तुम आगाह हो और जानती हो कि सियासत की बिना पर तुमसे शादी की थी, फिर असीर बन गया। लेकिन अब तुम मेरी तरफ मोहब्बत से मुस्कुराने से भी परहेज करती हो, क्या यही इस्तवाज का हक है? क्या कभी आपने किसी को अपने बाप के कातिल के साथ मुस्कुराकर मोहब्बत की गुफ्तगू करते सुना है? अगर चाहे तो भी अपनी नफरत पर गलबा नहीं पा सकता, मगर मैं इस मोहब्बत से बेजार हूँ जबकि मैं इस जिंदान की 4 दीवारियों में कैद हूँ। अपने जिंदान बांध से क्या करूँ? ऐ काश मैं आपसे मोहब्बत कर सकती। आपसे इंतकाम लेने की तवानाई नहीं है मुझ में, मैं सिर्फ आपको अपनी मोहब्बत से महरूम रख सकती हूँ। क्यों मुझको रंज पहुंचा रही हो मरियम? मैं तुम्हारा बादशाह हूं और तुम्हारा कानूनी शौहर, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा बर्ताव गुरूर व तकबुर से भरा हुआ है। किस तरह मैं इस नफरत को तुम्हारे दिल से निकालूं?
मुझे डर है कहीं गुस्से में मैं अपनी मोहब्बत को भुला ना दूं। और उस वक्त आप उस वक्त के लिए परेशान ना हो, आपकी बहन बेचैनी से उस वक्त की मुंतजर है। मुझसे कह रही हो? सलाम हो हरुदेव कबीर पर। जानती हूं कि मेरे सिलसिले में गुफ्तगु कर रही हो, गलत तो नहीं कह रही हूं। महले सरा के बाहर सभी लोग आप ही की गुफ्तगु करते हैं। खुश नसीब है वो लोग महल की जखीम दीवारों की पुश्त से उनकी आवाजें मुझे सुनाई नहीं देती, वरना अब मेरे लिए यहां जगह नहीं है। सलाम हो फनवाइल की बेटी पर। सफर का इरादा रखती हूँ। आपसे इजाजत लेने के लिए आई हूँ। कहाँ का इरादा है? अब सब्र की हद खत्म हो चुकी है जनाबे जकरिया। जहाँ भी जाती हूँ लोगों में अंधेरे और कसाफत के अलावा कुछ नहीं देखती। चाहती हूँ कि इबादत गाह जाऊं और वहां बास्त पर बैठूं और खुदा से चाहूंगी कि उन लोगों पर एक नजर करे। लेकिन मुद्दतों से कोई इबादत गाह में नहीं बैठा, तुम वहां तन्हा होगी। अभी भी तो मैं तन्हा हूं। उस जिम्न में मरियम के वजूद से इबादत का मैं तन्हा नहीं रहूंगी। खुदा तुम्हारे साथ है। खुदा हाफिज। यहुन्ना कितनी मर्तबा कहा है तौरात को जुज ब जुज हिफ्ज कर लो, लेकिन तुम हमेशा कोताही करते हो और हर मर्तबा कोई नया बहाना पेश कर देते हो। हलाल और हराम गोश्त का दर्स तुम पढ़ो यूशा। कल रात कुर्बानी के मरासिम में मशगूल था, इसलिए दर्स ना पढ़ सका। मैंने आप सबको ताकीद की थी कि अपने दर्स को हरतमन हिफ्ज करो, ये कतई मुआफी के काबिल नहीं है। मुझे तुम कहो। उस्ताद, आपने इस दर्स को याद करने को नहीं कहा था। तुम में से किसे कुर्बानी का दर्स याद है? मरियम से सवाल करें। आप मरियम से सवाल करें। मरियम? हाँ, मरियम से सवाल करें ताकि हम थोड़ा हंसे। बहुत अच्छा मरियम, जरा नजदीक आओ। क्या तुम हलाल और हराम गोश्त के बारे में बता सकती हो? बताऊं? कहो। हर वो हैवान जिसके सुम शिगाफ्ता हो
और चुगाली करता हो वो हलाल हैं, सिवाय ऊंट व खरगोश जो चुगाली तो करते हैं मगर उनकी सुम शिगाफ्ता नहीं होती। खिंजीर नजीस होते हैं। हालांकि सुम उसकी शिगाफ्ता तो होती है मगर वो चुगाली नहीं करता। क्या कुर्बानी के बारे में कुछ कह सकती हो? कुर्बानियां 8 तरह की होती हैं, वो जो जलाई जाती हैं, पीछे डालने वाली, आगे खींचने वाली, हिलाने वाली, लटकाने वाली, सलामती की कुर्बानी, खता के कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी, और ये सब 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं। खूनी कुर्बानी पाक हैवानों की जाती है और उसके अलावा सबसे पहले कुर्बानी देने वाले हाबिल व काबिल थे जनाबे आदम के बेटे जनाबे इब्राहिम भी हुक्म खुदा के मुताबिक अपने बेटे इस्माइल को जो उनके बहुत अजीज थे चाहते थे कुर्बान करें, लेकिन खुदा ने एक दुम्बे को उनके लिए भेज दिया ताकि इस्माइल की जगह कुर्बान हो। ए मरियम, तूने इन सब बातों को कहां से सीखा? जनाबे जकरिया ने मुझे उसूल व अहकाम शरीयत का दर्स दिया है। जकरिया ने तुम्हें सब कैसे याद कराया कि सब कुछ हिफ्ज कर लिया तुमने? वो खुदा के नबी हैं, दीनी उलूम और किताबे मुकद्दस जो अपने सीने में रखे हुए हैं मुझे मुंतकिल कर दी है। सिर्फ वही शरीयत के वाकई अहकाम की ताईद कर सकते हैं और मैं उन्हीं के शागिर्द हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो मरियम, हमें दर्स देने के लिए वक्त मुय्यन करो मरियम। नमूर में मुदाखलत ना करो मरियम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो, जाओ यहां से। कमाल की लड़की है। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? अगर मेरे हाथ लग गए तो। और तुम लोग घूर क्यों रहे हो? अपना दर्स याद करो। अब इसे देखो, मुकद्दस जीने के किनारे झाड़ू दे रही है, उन सीढ़ियों के करीब मत जाओ। ए लड़की, क्या जकरिया ने तुझे नहीं बताया कि उस मुकद्दस मुकाम के करीब तू नहीं जा सकती? बहन तुम यहाँ हो? इबादत गाह के खुदाम के बर्तन धो रही हो? आह कितना काम करती हो। खुदाया, मेरी माँ जनाबे जकरिया और अली साबा व तमाम लोगों की हिफाजत कर और सबको अपने लुत्फ व करम से सलामती इनायत फरमा। परवरदिगार तो इन गुमराह बंदों की मदद फरमा। ये औरत कौन है जो खिड़की के पास औरतों के साथ खड़ी है? मुद्दतों से इबादत गाह में कोई बास्त पर नहीं बैठा है। अच्छा तो तू है, मैं इस औरत को पहचानता हूं।
तू यहाँ क्या कर रही है? काहिन सोचते हैं कि इबादत गाह के गुंबद के नीचे रहने से वो खुदा के नजदीक तर है, लेकिन खुदा हमारे दिलों में है, ना कि आपके हुजरों में। उसका सफीर एक दिन आएगा और जुल्म का खात्मा करेगा। वो कौन है जिसकी आमद का इंतजार है? मसीह, एक काहिन। मसीह? वो मसीह है जो आएगा? हाँ। क्या कोई अलामत दिखाई दे? हाँ, जुल्म तो आप जैसे लोग इन लोगों पर ठा रहे हैं। वो आएगा और जिंदगी जो हमारे हाथ से चली गई है हमें लौटाएगा। हाँ, मसीह आ रहा है। कौन तुम्हारी बेहुदा बातों पर यकीन करेगा मजनून? मरियम, जल्दी करो, इन कूजों को भर कर ले आओ। हमारी नाज़नीन मरियम मुश्किलात में गिरफ्तार है। हमारे सारे दुश्मन एक हो गए हैं। मेरी गैर मौजूदगी में उससे ज्यादा काम लेते हैं और तकलीफ भी देते हैं। यरबाम जो खादिमों का मसूल है, उन्हें अजियत देने में लज्जत महसूस करते हैं। शर्म नहीं आती उसे कि तुम्हारी दुश्मनी उस बेगुनाह और मासूम बच्चे पर निकाल रहा है? ऐसा ना हो कहीं मरियम पर होने वाली तकलीफों से हन्ना बाखबर हो जाए। जनाब ज़करिया, आप यहाँ हैं? मरियम की बात कर रहे थे। जनाब ज़करिया, उसकी क्या खबर है? मैं कल यरूशलम जा रहा हूँ। यरूशलम? उसे मेरा सलाम पहुंचाना। मेरी बहन, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या चाहती हो? कि हो बहन, मुझसे कहो ना, तुम दोनों परेशान हो। क्या मरियम की कोई खबर आई है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? नहीं हन्ना, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? मेरी बहन, क्या मरियम के बारे में है? क्या है ये सब? मुझे दिया है ताकि मैं उसे कूटूं। जल्दी करो, जनाबी यरबाम आने वाले हैं। ये सब कल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कल? कल तो ईद है। ऐसा तो नहीं कि ये मुकद्दस अज्जा है जिन्हें कुद्स में जलाया जाएगा? हाँ सही है। मरियम, कल कौन सी ईद है? कल यहूदियों की बुजुर्ग तरीन ईद है, खुदा का सबसे बड़ा दिन। खुदावंदे आलम कल हम सब की तरफ निगाह करेगा। मरियम, कुद्सुल अक्दस में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? कुछ नहीं, इस दरवाजे के पीछे, मुकद्दस पर्दे के पीछे कोई चीज नहीं है। कुछ नहीं? हाँ, कुद्सुल अक्दस का हुजरा खाली है। खाली? मुद्दत तो पहले इस हुजरे में हजरत मूसा के पत्थर के तख्ते रखे हुए थे। कोई भी उस हुजरे में दाखिल नहीं हो सकता था सिवाय हर फिरके के बुजुर्ग काहिन के, और वो भी साल में एक मर्तबा, ताकि गर्द को साफ करें और इस स्पंज से खुशबू करें। ये सारी बातें जनाबे ज़करिया ने मुझे बताई हैं। मैंने सुना है कि चंद सालों बाद कुद्स में दाखिल होने की उनकी नौबत आ जाएगी। हाँ, वो काफी सालों से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कार
मरियम जाओ, या सकार अगर तुम्हें कुछ के मुकाबले में देखेंगे तुम भी करेंगे। देखो फिर से सरदर्द शुरू हो गया। कहते हैं कि बुरे आदमी नहीं, लेकिन मैं उनसे डरता हूँ। उन्हें सरदर्द काफी अरसे से है और कई मर्तबा वो अपने लिए कुर्बानी करते हैं, सब उनका एहतराम करते हैं। आखिर वो जनाबे जकरिया की जानशीन है और उनके बाद अबिया खानदान के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। वो तुम्हारे खानदान से हैं, हतमन पहचानती होगी। हाँ पहचानती हूँ। आना लो खा। कुछ नहीं, थोड़ा सा सर चकरा रहा है। थोड़ा ख्याल रखे मोहतरमा, हरूद और उसकी बहन के जासूस हर जगह हैं। वो वहां है, मैं उस तरफ जा रही हूं। मोहतरमा, क्या आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या इमरान की बेटी यहाँ है? मैं उसे देख सकती हूँ? हाँ, क्या आप काफी दूर से आई हैं? वो कैसी दिखती है? नाम मरियम है, एक 6 साला बच्ची। उसके छोटे हाथ बाराने रहमत है। उसका चेहरा मुस्कान की मानिंद खूबसूरत है। उसके कदमों की आवाज निहायत ही आरामदेह है, गोया वो इस जमीन पर नहीं चलती। आप यहां किस चीज की तलाश में आई हैं? नहीं जानती किस चीज की तलाश में हूं। उसे देखना चाहती हूं, शायद अपने सवालों के जवाब पा लूं। रोजाना कई लोग यहाँ तशरीफ लाते हैं ताकि उसकी जियारत कर सकें, लेकिन बहुत कम लोग जरूरत के तहत आते हैं। आपकी निगाहों में उसकी जियारत का इश्तियाक देख रही हूं, बस उस तक पहुंच गए। वहां देखो, मैंने उसे देखा। इतना आला है जनाबी अरबाम, कई सालों से इस दिन के मुंतजिर थे। अरबाम से बचना, उन्हें खिदमत गुजारों की पिटाई करना बेहद पसंद है। किसी भी वक्त उनकी राह में ना आना और ना ही उन्हें कोई बहाने देना। देखो अब वो कुछ के अंदर दाखिल हो रहे हैं और अंदर जाकर मुकद्दस अमल अंजाम देंगे। ऐ
काश मुझे भी अंदर दाखिल होने का मौका मिलता। दोबारा ऐसी बात नहीं करना। अगर ये बातें काहिनों के कानों तक पहुंच गई तो जानती हो क्या बला नाजिल होगी हमारे सरों पर। ओ मिर्याम, 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 मिर्याम ने ये काम किया, मिर्याम ने वो काम किया। बस करो बहन, मिर्याम की निस्बत इस तरह की बदगुमानी से दस्तबरदार नहीं होगी। तो ध्यान से सुनो हरुद, वो बादशाह जो सियासी निजाम में नरमी बरतते हैं जल्द ही हुकूमत को हाथ से गंवा देते हैं। उस औरत से मोहब्बत करने की वजह से तुम अंदरूनी मंसूबों को नहीं देख रहे हो। किस मंसूबे की बात कर रही हो? मेरी नजर में तुमने उसे कसर के बाहर कदम रखने से मना किया था, सही है ना? क्या उस हुक्म के खिलाफ अमल किया है? तुम किस कदर सादे हो मेरे अजीज भाई। मैंने कहा था कि उसके पोशीदा कामों को नहीं देख रहे। मैं जानती हूं वो कल रात इबादत गाह गई थी। इबादत गाह गई थी? हाँ, उस लड़की को देखने, इमरान की बेटी, वही लड़की जिसकी निस्बत यहूदी शिद्दत पसंद बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं ताकि तुम्हारी हुकूमत को कमजोर करे। नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि मरियम ने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। यकीन नहीं तुम्हें? नहीं। फिर तुम किस चीज पर यकीन करना चाहते हो? ये कि यहूदियों के दरमियान वो तुमसे ज्यादा मकबूल है, ये कि यहूदी तुमसे ज्यादा उससे मोहब्बत करते, या ये कि वो आज तुम्हें अपने बाप के तख्त और ताज का कासिब मानती है? जब तक मरियम जिंदा है आंटी नुस की हुकूमत की यादों का सिलसिला बरकरार रहेगा। जितनी भी कोशिश करे लोगों में हरदिल अजीज नहीं हो सकते और ना ही तुम उनकी नफरत को घटा सकते हो। ना, बस करो, काफी है, और कुछ सुनना नहीं चाहता। थक गया हूं मैं, थक गया हूं मैं। आओ। मिर्याम को ऐसे ही जेरे नजर रखो। शिद्दत पसंद यहूदियों के साथ उसकी हर तरह की मुलाकात की मुझे इत्तला दो। जाओ। सब्र करो मिर्याम, एक दिन तुम्हें इस जंग में शिकस्त दूंगी। लेकिन तौरेत में तो जो आप कह रहे हैं उसके खिलाफ लिखा है। नहीं नहीं नहीं, वही है जो मैंने कहा। बहुत ज्यादा सवाल मत करो, जाओ यहां से, जाओ। क्या हो गया जनाबे मिखाइल, इतने परेशान क्यों हैं आप? उस लड़की की वजह से मेरे शागिर्द अपने सवाल उससे पूछते हैं। ठीक है, पूछें। वो लोग तसल्ली बख्श जवाब चाहते हैं। मजाक मत करो जनाबे यरवाम, मेरे दर्द खराब हो रहे हैं, अब जवान भी मेरी किसी बात को नहीं सुनते। क्या यहाँ कोई सरपरस्त नहीं? इबादतगाह के खादिम किसे जवाब दे हैं, आपके या उस लड़की के? कुछ ज्यादा ही गुस्ताख हो गए हो मिखाइल। देख रहा हूं अन करीब हम दोनों मरियम के सामने दो जानू बैठकर उसे तालीम हासिल करेंगे। मरियम,
तुम हो फिनवाइल की बेटी? सलाम जनाबे ज़करिया। सलाम। चाहती हूँ खुदा की बारगाह में इस कदर इस्तेगासा करूं कि वो मुंजिए मौत को भेज दें। उस उन्मान से मैं अपनी अजीज मरियम से भी दूर नहीं हूं। हर रोज उसे देखती हूँ, काहिनों के बर्तनों को जमा करती है और धोती है, लेकिन ना जाने क्यों आज काफी इंतजार के बावजूद वो नहीं आई और बर्तन भी जमा करके नहीं ले गई है। जनाबे ज़करिया, जरा देखिए क्या हुआ है। मरियम कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटती। सलाम मरियम। सलाम। तुम आज काम करने नहीं गई? तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। ये रोटी तुम्हारी मां ने भेजी है। तुम्हारा चेहरा, खुदाया, ये तुम्हें क्या हुआ? कोई अहम चीज नहीं। कैसे अहम नहीं? अहम चीज नहीं। किसने मारा? बताओ, तुम्हें किसने मारा? मेरी माँ से कुछ भी न बताना। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक।